हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वी विल डिस्कस अबाउट डेबिट नोट इन दिस वीडियो एंड वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट क्रेडिट नोट लेटर एंड सेक्शन 34 सबसेक्शन 3 जो है CGST एक्ट का, इसको डील करेगा। डेबिट नोट के कंसेप्ट को समझाने से पहले मैं आपको अकाउंटिंग के एंगल से एक छोटी सी बात बताता हूँ कि सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने महेश्वरी एंड कंपनी को कोई सामान बेचा, सेल किया। I am supplier, I am seller and Maheshwari and company is purchaser. So obviously मेरी general entry क्या आएगी? अब बोलो सर कहाँ ले गए? ध्यान से सुनो और समझो, नहीं तो रटने जैसा हो जाएगा डेबिट नोट। मैं चाहता हूँ कि आप रटो नहीं, समझो। मैं फिर से बोलता हूँ कि हमने फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको टाइप भी कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने गुड्स सोल्ड टू महेश्वरी एंड कंपनी। सपोज मैंने इसको माल बेचा तो मेरी जनरल एंट्री क्या आएगी? महेश्वरी एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स, यही जनरल एंट्री बनेगी। सेल्स मेरा रेवेन्यू है, क्रेडिट हुआ, और महेश्वरी एंड कंपनी मेरी एसेट है, मेरे डेटर्स। अब अगर मैंने गलती से महेश्वरी एंड कंपनी से पैसे कम ले लिए, मुझे 25,000 की बिलिंग करनी थी, मैंने 20,000 की कर दी, GST लॉ कहता है नो प्रॉब्लम, 5,000 कम लिए ना, 5,000 का एक और बिल दे दो। अब बिल तो आप दे चुके हो तो उसको हम एक तरह से डेबिट नोट के कल्चर में इशू करेंगे, और जब आप डेबिट नोट इशू करते हो तो ओरिजिनल इनवॉइस की भी रेफरेंस उसमें आती है। जब आप प्रैक्टिकल GST फाइलिंग वगैरह सीखते हैं तब आपको ये सब चीज़ें समझ में आती हैं कि रियल लाइफ में डेबिट नोट किस तरह से इशू होता है और किस तरह से उसकी वर्किंग, किस तरह से उसकी रिपोर्टिंग GST पोर्टल पर, कॉमन पोर्टल जिसको बोलते हैं, गवर्नमेंट को की जाती है। सो मैं यहाँ पर सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ कि जिस पार्टी को हमने डेबिट किया, अगर हमने गलती से उससे पैसे कम लिए हैं या टैक्स कम लिया, टैक्स भी हो सकता है कई बार गलती से कम लिया हो, माना 25,000 का बिल रेज करना था, 25 का ही किया, लेकिन टैक्स रेट 18% लगना था, गलती से 12 लगा दी, तो बाकी के टैक्स की रिकवरी के लिए आप डेबिट नोट इशू करेंगे। इसको डेबिट नोट क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप उस पार्टी को डेबिट करेंगे। अभी भी तो जब हमने माल बेचा तो डेबिट ही तो किया है। अगर किसी का ये डेबिट इंक्रीज करना हो तो विल डू द डेबिट अगेन, सो विल इशू द डेबिट नोट। सो पहली बार जब पार्टी को माल बेचते हैं तो टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे, लेकिन अगर उस अमाउंट को बेसिकली इंक्रीज करना हो, उस पार्टी को और फर्दर डेबिट करना हो, उससे रिकवरेबल अमाउंट, हमारी जो एसेट है डेटर, उसको इंक्रीज करना हो, तो वी इशू द डेबिट नोट। सो आई होप कि दिस इज क्लियर। तो अब चलिए हम सेक्शन 34 सबसेक्शन 3 जो आपका है डेबिट नोट, इस एंगल से चीज को पढ़ते और समझते हैं। सो डेबिट नोट इज इश्यूड इन GST इन फॉलोइंग सिचुएशंस। कब हम डेबिट नोट इश्यू करते हैं? पहला, When the taxable value in tax invoice is found to be less than, when the taxable value in tax invoice is found to be less than taxable value in respect of such supply. मेरे ख्याल से इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। The value is found to be less, 25,000 करनी थी, 20,000 का बिल इशू कर दिया, 5,000 का डेबिट नोट इशू कर दिया, आ गई सही जगह पे, राइट। जनरल एंट्री में तो मे बी अगेन मेजरिंग कंपनी टू सेल्स इशू हो, लेकिन हम फिलहाल इसको डेबिट नोट को GST लॉ में 5,000 रुपये का और इशू कर देंगे। और ऑफिस देखो, गवर्नमेंट तो ये चाहती है, भैया अगर आप बढ़ा रहे हो डेबिट, बहुत अच्छी बात है, बढ़ाओ और टैक्स लाओ, तो गवर्नमेंट को तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन हो नहीं सकती। इसलिए कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आप डेबिट नोट कब इशू करोगे। अगर 3 साल पुरानी किताबों में भी लगता है कि पैसा गलती से कम लिया था, सामने वाली पार्टी देने को तैयार हो जाएगी, तो आप एक डेबिट नोट तो इशू कर ही सकते हो। गवर्नमेंट ने आपको कहीं भी किसी एंगल से रोका नहीं है, अगर आपने वैल्यू कम शो की या आपने टैक्स कम शो किया। दूसरा पॉइंट वही है, टैक्स चार्ज्ड इन टैक्स इनवॉइस इज found to be less than the tax payable in respect of such supply, right?
अगर टैक्स इनवॉइस में जो टैक्स आपने चार्ज किया वो कम है, सीधी सी बात है भैया, मैं इंश्योरेंस कंपनी हमने जो एग्जांपल बनाया इससे और पैसे लेने हैं, अगर आपने अमाउंट कम चार्ज किया आप ज़्यादा अमाउंट मांग लो, टैक्स कम चार्ज किया टैक्स मांग लो, कोई टाइम लिमिट है नहीं इसको इशू करने की, देर इज नो टाइम लिमिट फॉर इशू, मतलब ऐसा नहीं है कि इसको 3 महीने में इशू करना है 6 महीने में इशू करना है, टाइम लिमिट से मेरा मतलब ये कि जब आपको लगे कि आपकी गलती आपकी पकड़ में आ गई आप तब डेबिट नोट इशू कर सकते हो। लेकिन सेक्शन 34 सब सेक्शन 4 ये कहता है कि जिस महीने में भी आपने डेबिट नोट इशू किया आप इसको गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करिए, दैट इज़ व्हाट दे वांट, ठीक है ना। तो डिटेल्स ऑफ डेबिट नोट टू बी डिक्लेयर्ड इन रिटर्न फॉर द मंथ ड्यूरिंग विच डेबिट नोट has been issued, यानी जिस महीने आपने डेबिट नोट इश्यू किया उस महीने की रिटर्न में इसको आप शो कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, नाउ विल स्टडी अबाउट क्रेडिट नोट। डेबिट नोट में हमने क्या किया था, पार्टी को जब सामान बेचा तो हमने ये कहा कि हमने गलती से बिल उसको कम कर दिया, ज़्यादा भी तो हो सकता है कि हमने उसको सामान का बिल कर दिया 50,000 जबकि सामान दिया था 40 का, तो फिर अब आप खुद ही बोलेंगे मेरे को कि सर ऑब्वियसली अब पार्टी को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। इमेजिन कीजिए ये एंट्री 50,000 की होनी चाहिए थी 40 की, तो महेश्वरीन कंपनी से रिकवरेबल अमाउंट एसेट डेटर 50,000 खड़ा कर दिया, लेने थे 40, अब उसको सही करने के लिए क्या करेंगे, महेश्वरीन कंपनी को क्रेडिट करेंगे। तो जब भी हम अपने डेटर के अमाउंट को रिड्यूस करते हैं, ये भी तो होता है कि उसने पैसा दे दिया तब भी हम बैंक टू महेश्वरीन कंपनी करेंगे, कहने का मतलब ये है कि जो महेश्वरीन कंपनी हमारे डेटर हैं अगर हमें उसको रिड्यूस करना हो तो हमें उसको क्रेडिट करना हो, चाहे वो पैसा दे तब, चाहे हमारे सामान में कुछ कमी निकले हमें उसको डिस्काउंट देना हो तब, चाहे वो कुछ सामान वापस कर दे तब, चाहे हमने गलती से अमाउंट ज़्यादा ले लिया तब, टैक्स ज़्यादा ले लिया तब, सारी सिचुएशंस गवर्नमेंट ने कवर की हैं क्रेडिट नोट में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं लिखना और पढ़ना और समझना। हेडिंग डालिए क्रेडिट नोट, इसका जो सेक्शन है वैसे वो सीक्वेंस में पहले है, सेक्शन 34 सब सेक्शन 1 ऑफ CGST एक्ट 2017, ठीक है जी। अब हम क्रेडिट नोट के बारे में पढ़ेंगे। सो क्रेडिट नोट इज इश्यूड, क्रेडिट नोट इज इश्यूड इन फॉलोइंग सिचुएशंस। कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जब क्रेडिट नोट इशू करते हैं, पहला जहाँ टैक्सेबल वैल्यू ज़्यादा ले लियो, नेचुरली डेबिट में कम हो गई थी इस पर ज़्यादा है, सो टैक्सेबल वैल्यू इन टैक्स इनवॉइस इज फाउंड टू एक्सीड द टैक्सेबल वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। सिंपल सी बात मैंने ये की है कि जहां आपने गलती से पैसा ज्यादा चार्ज कर लिया, द टैक्सेबल वैल्यू इन इनवॉइस इज फाउंड टू एक्सीड द वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई, यानी जितनी होनी चाहिए थी उससे ज्यादा ले ली या फिर टैक्स ज्यादा चार्ज कर लिया। दूसरा, टैक्स चार्ज्ड इन टैक्स इनवॉइस इज फाउंड टू एक्सीड द टैक्स पेबल, यानी जो एक्चुअल टैक्स पेबल था इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई, जो सप्लाई से रिलेटेड हमारे को टैक्स चार्ज करना चाहिए था हमने गलती से उससे ज्यादा चार्ज कर लिया। तीसरा, गुड्स सप्लाइड आर रिटर्न्ड बाय द रेसिपिएंट, नेचुरली जब वो सामान वापस कर देगा तब भी हमें उसे क्रेडिट ही करना है, ठीक है। क्या पॉइंट आया, गुड सप्लाइड आर रिटर्न बाय द रेसिपिएंट। हम अपने एग्जांपल में महेश्वरीन कंपनी लेके चल रहे, सब उन्होंने माल वापस कर दिया थोड़ा या जितना भी, तो ऑब्वियसली आप उनको क्रेडिट करेंगे, तो क्रेडिट नोट इशू करेंगे। एंड लास्ट, हमारा सामान अच्छा नहीं था, हमने कहा एक काम करो वापस मत करो, 10-20,000 हमारे काट लो, तो उस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए भी क्रेडिट नोट। सो गुड्स पब्लिक सर्विसेज सप्लाइड आर फाउंड टू बी डेफिशिएंट, डेफिशिएंट इन क्वांटिटी क्वालिटी व्हाटएवर, ये सब चीज़ें।
नाउ यहां पर टाइम लिमिट जो है वो दी गई है, टाइम लिमिट फॉर इशूइंग क्रेडिट नोट. गवर्नमेंट बड़ी चलाक है, जब टैक्स रिकवरी की बात थी तो डेबिट नोट के लिए कह दिया कोई लिमिट नहीं है जी, 2 साल 5 साल 10 साल कभी भी इशू कर दो. क्रेडिट नोट के लिए टाइम लिमिट दी है. खैर यहाँ पर भी रीजनेबल तो दिया है इन्होंने बेचारों ने, मैं इतना भी क्रिटिसाइज नहीं करूँगा. नेक्स्ट ईयर आप सितंबर तक ये क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं. सो टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ इशूइंग द क्रेडिट नोट की अगर हम बात करें, सो दैट इज अर्लियर ऑफ द टू डेट्स. तो ये कंसेप्ट आपने कुछ हद तक पहले भी पढ़ा हुआ है कि आप नेक्स्ट ईयर सितंबर तक इसको भर सकते हैं. तो इसमें यह है रिटर्न फॉर सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, एंड सेकंड इज डेट्स ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न. एंड आप जानते हो कि एनुअल रिटर्न की डेट क्या है, इट इज 31st December of next financial year. So practically September ही है क्योंकि annual return तो December में ही भरनी है ना. So अगर आपको credit note के लिए time limit है कि कब issue करना है, तो वो आप next year September तक जो है वो issue कर सकते हैं. यानी कि अगर हम financial year 17-18 की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ, financial year 17-18, तो September 18 जो कि बेसिकली फाइनेंशियल 18-19 में पड़ता है, सितंबर 18 की जो रिटर्न आप भरेंगे तब तक आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं. यानी कि सितंबर में आपको एक तरह से लास्ट इशू करना होगा, तभी तो आप उसकी रिटर्न के अंदर इसको रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है ना. और ये भी है कि जिस महीने आपने इसको इशू किया उसी महीने आपको इसको शो करना है. ये मैं नोट में लिखवा देता हूँ. लिखिएगा डिटेल्स, वही डेबिट नोट वाला ही पॉइंट है, इसमें कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ. द डिटेल्स ऑफ क्रेडिट नोट टू बी डिक्लेयर्ड इन रिटर्न फॉर द मंथ ड्यूरिंग विच क्रेडिट नोट हैज बीन इश्यूड. यानी क्रेडिट नोट जो है वो उस महीने की रिटर्न में आपको डिक्लेयर करना है जिस महीने आपको इशू किया, ठीक है ना. तो कोई खास बात नहीं है, जिस भी महीने के क्रेडिट नोट्स हैं वो सब उस महीने की रिटर्न के अंदर काउंट होंगे. तो एक छोटा सा चैप्टर हम आपका लेके चल रहे थे, जिस चैप्टर का नाम था टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट. ये चैप्टर अब आपका कंप्लीट, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो से. थैंक यू.